यह एक ऐसी दुकान है जहां ओनर नहीं वर्कर संभालते हैं, और जब से ये दुकान बनी है तब से इस पे कलर पेंट नहीं हुआ। तो चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही शानदार जगह, जयपुर की बहुत ही फेमस जगह, और यहां दिखाने वाले हैं हम आपको कुछ फूड। और देखिए यहां का राज, और ये बहुत ही फेमस शॉप है। यहां पर हम आए हैं, देख सकते हैं गर्मा गर्म समोसे यहां उतर रहे हैं, उबल का आ रहे हैं भाई। आ रहा है भैया, आपका भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे निकल चुके हैं, बरसात का मौसम है। और यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ में आदित्य, और यहाँ पे हमारे भाई और सुमित तुम्हारा भाई, और यहाँ देख सकते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? रामदीन। रामदीन जी, तीन ही तो रामवीर। तो ये रामवीर जी बना रहे हैं यहाँ पर। और क्या रुपए प्राइस है भैया इसकी? 8 रुपए। 8 रुपए एक समोसा, क्या बात है। और ये भूसा हलवाई के नाम से फेमस है ये शॉप। तो ये जयपुर की फेमस शॉप भूसा हलवाई की शॉप है, और बहुत ही फेमस है। और हम भी यहाँ पे खाने आ चुके हैं बरसात के अंदर। और देख सकते हैं कुछ ऐसा सा एरिया है यहाँ पे, थोड़ा कंजेस्टेड है, और ये एक छोटी सी शॉप है। और समोसे ही समोसे और कचौरी भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। और ये एक और ये रहा इनका मेन्यू, मतलब कचौरी समोसा मिर्ची ब्रेड और भुजिया भी तलते हैं, तो देख सकते हैं। तो खाते हैं और बताते हैं आपको यहाँ का टेस्ट। और वापस से तेल गरम हो चुका है, तो मतलब देख सकते हैं गाइस, एक कढ़ाई उतरी और एक कढ़ाई चढ़ गई, और जल्दी जल्दी समोसे खत्म होते हुए। यही है बारिश का मजा। और ये अंकल हमारे साथ में है, देख सकते हैं। अब इनसे पूछते हैं एक बार के लिए। हाँ भैया, कैसा लगा आपको समोसा? आप खा रहे हैं, आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हम तो भैया काफी पुराने ही आके खाते हैं। हाँ हाँ, जब भी आते हैं। तो क्या लगता है आपको, कितनी पुरानी शॉप है ये? 20 साल पुरानी, टेस्ट भी वैसा की है, मतलब है 60 साल पुरानी है। तो ये 60 साल पुरानी शॉप बता रहे हैं, और ये इसका नाम है भूसा हलवाई की शॉप। हमने भी इसके बारे में काफी सुना था, और इनसे भी टेस्ट का पता लगाया, और इन 60 सालों के अंदर एक बार भी इसका मतलब टेस्ट इधर से उधर नहीं हुआ है। और ये आ चुके हैं हमारे हाथ में गर्मा गर्म समोसे। तो अभी चलिए और देखते हैं, इनको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। आदित्य तूने भी ले लिए समोसे? फेवरेट है यार। भाई अंकित ले गया भाई। अरे भाई अंकित है यहाँ पे लाने वाला, और अंकित आज नहीं खा सकता क्योंकि इसका फास्ट सावन सावन और ये सावन के फास्ट रख रहा है। बट इन मतलब लाजवाब समोसे, ये समोसे से वो रह जाएगा ये वंचित, लेकिन इसने भी खाए होंगे गाइस। तो चलिए इधर साइड चलते हैं, यहीं पे खड़े होकर खाते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, इसका नाम आज से नामकरण कर दिया है, इसका नाम रख दिया है हमने स्मार्टी। तो चलिए गाइस दिखाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका समोसों का। तो देखिए गाइस खाते हैं। ये जो चटनी है ना हम किसी मतलब इसी का कमाल है यार, सारा कमाल तो समोसे में है। यहाँ पे हमारे दोस्त योगेंद्र, इन्होंने भी भैया हमारे साथ में समोसा खाया है। तो कैसा लगा तुम्हें समोसा? समोसे का टेस्ट एक नंबर है, एक नंबर है। मतलब यार मतलब इतना मजा आया। और यहाँ पे लेके आया हमें अंकित और बाबा, तो अंकित ने हमें जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिला है। हालांकि मैं पहले भी आ चुका हूँ और खा चुका हूँ यहाँ पर समोसा, 8 रुपए का समोसा, इतना सस्ता समोसा आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा गाइस, पूरे जयपुर में नहीं मिलेगा। मतलब यार इन्होंने बताया पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। अभी जो इसके ऑनर है वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार उनको थोड़ा सा वो कैमरा फोबिक होते हैं ना, मतलब कई लोग काम का बर्डन, हाँ काम का भी बर्डन मान सकते हैं आप। काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया, मतलब अभी बातें करी उनसे, मैंने उनसे भी पूछा कि यार यहाँ का टेस्ट बरकरार कैसा है, ऐसा क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हो आप लोग और हमें भी बताइए। बट वो कस्से मसले नहीं हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमारे को। तो बस यार जाहिर सी बात है, अपने हाथ का हुनर कोई नहीं बताता है, और उन्हें डर है कि हम दुकान नहीं खोल लेंगे कहीं पे। तो बस इसी के साथ में कुछ टेस्ट को अपने जबान पर लेकर के हम भी यहाँ से निकलते हैं। और भूषा नाम क्यों है इसका? हाँ ये राजा महाराजा के टाइम पे पहले एक दिन पुराना खाना भूसा हुआ खाना, हाँ हाँ वो देता था। और यहाँ पे आ चुका है हमारे एक और भाई आदित्य, और खाने क्या भाई।
भाई खाने तो है। चलो ठीक है, अपन दो समोसे और करा लेते हैं, अपन दो तीन मतलब एक एक समोसा और ले लेते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि अब यार ज्यादा ऑयली खाना भी सही नहीं है, बट काफी मजा आया यार गाइस। हम एक बार वापस दुकान की तरफ बढ़ते हुए, मतलब रहा नहीं जा रहा है हमसे। हेलो भाई, क्या चाल? तो चलिए वापस आ गए हम, तो हम हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा। हम सोच रहे हैं यार एक और खा लेते हैं यार। आपको पता है कि इसका नाम बूसा हलवाई शॉप कैसे पड़ा? नहीं पता? मैं तो आता जाता हूँ खा लेता हूँ। क्या हुआ? मैं तो आता जाता हूँ और खा लेता हूँ। भाई लेकिन टेस्ट 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 वैसा का वैसा ही है। मतलब कब से खा रहे हो बताओ? जब भी मूड होता खा लेता। अच्छा, और टेस्ट वैसा का वैसा ही मिलता है आपको? अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके और इनसे जान करके। और देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है और मतलब कुछ उसी तरीके से पैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर। मतलब इतना सस्ता मेरे को नहीं लगता कि शायद जयपुर में, जयपुर के अंदर तो शायद 8 रुपए का समोसा तो कहीं नहीं मिलेगा शायद। आप बताइए, 8 रुपए का तो नहीं मिलेगा। मैं इंदिरा बाजार से आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इंदिरा बाजार से आते हो? बाजार से पैदल बाजार आता हूँ रोज। पैदल आते हो आप? क्या बात है। तो मतलब मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप पेट बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो? समोसा जरूर। अच्छा, मतलब देख सकते हैं आप, इनका कहना ये है कि ये पेट को, हाँ पेट बढ़ जाए, मतलब टेस्ट के पीछे पीछे आप यहाँ पे चले ही आते हो? मतलब एक समोसा रोज खाता हूँ। अच्छा, एक समोसा, अरे वाह यार। तो मतलब एक होता है ना कि यार यहाँ से निकलेंगे तो समोसा खाना जरूरी है, तो उसी तरीके से सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और आदित्य भी खड़ा हुआ है समोसे की क्रेविंग, तो क्रेविंग हो रही। तो चलिए गाइस, एक समोसा फिर से आ चुका है हमारे हाथ के अंदर और काफी मजेदार। और ये चलती हुई रोड, यहाँ का ट्रैफिक कभी भी खत्म नहीं होता है गाइस। देख सकते हैं आप, ये है जयपुर की नाहरगढ़ रोड। जो कोई भी आना चाहता है, मैं इसकी लोकेशन आपको बता दूं कि नाहरगढ़ रोड इसका नाम है। और अंकित ने बताया 12 भाइयों का चौराया, इस जगह का नाम है 12 भाइयों का चौराया। आपको दिखेगा ये चौराहे का नाम है 12 भाइयों का चौराहा। इसके पास इस खूबसूरत तरीके का एक चौक बना हुआ है, पता नहीं ये कुछ होता होगा। तो यहाँ पे मिलते हैं वो समोसे, बहुत ही छोटी सी शॉप लगी हुई है लेकिन यहाँ पे भीड़ कभी खत्म नहीं होती गाइस। तो चलिए एक बार और टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का क्या माहौल है। भाई तुम तो खाने भी लग गए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार अभी हम आए थे जयपुर की कोई अंदरूनी गलियों के अंदर। वैसे तो ये बहुत फेमस है बूसा हलवाई के नाम से, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि ये लोकेशन कौन सी पड़ती है। हम आए थे छोटी चौपड़ से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे और बड़ी चौपड़ से पहले एक नाहरगढ़ रोड आता है, तो नाहरगढ़ रोड पे मुड़िए और यहाँ तक पहुंच सकते हैं आप। 12 भाइयों का चौराया है नाम है इसका। अच्छा, अरे नहीं मेरे को पता लग गया ना, मेरे को तो पता है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे आइए और यहाँ का टेस्ट करिए। तो चलते हैं। चलो ठीक है। तो गाइस पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक बात कही थी कि यार गाइस आप वीडियो देख लेते हो और रेटिंग नहीं देते हो यार, प्लीज़ यार रेटिंग दीजिए यार। रेटिंग दे करके हमें ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वो हम देखेंगे। और फीडबैक दीजिए कि हमें वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकन यहाँ पर आ रहा है इसको दबा करके हमारे साथ बने रहिए। अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे कोई अच्छे से ब्लॉग में। तो टिल देन खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय। Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the road right till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a